strong. देखिए ये उड़द की दाल है, हम जो है दही वड़े बनाने जा रहे हैं और इसको हमने रात भर भिगा दिया है और ये बहुत अच्छे से भूख भीग चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आसानी से ये टूट जा रही है और अब इसको हम पीसते हैं। इस तरह से हम ग्राइंडर में डालेंगे और जो हाथ में पानी आ जा रहा है उसके साथ ही हम उसको पीसेंगे। एकदम सूखी दाल नहीं पीसना है। अच्छी तरह से पिस गई है और ये हमने बहुत ही बारीक पीसा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है पानी में हाथ डुबा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से थोड़ा हम फेंटेंगे। पानी में हाथ इसलिए डुबा रहे तक कि ये हमारे हाथों में चिटक ना जाए, इस तरह से थोड़ा से हम इसको फेंटेंगे। लेकिन हमने इतने अच्छे से पीसा है कि ग्राइंडर में ही ये काफ़ी हद तक फिटा गई है और ये थोड़ा से फेंटने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक करेंगे कि ये दाल अच्छी तरह से फिटाई है कि नहीं। गर्मी के सीज़न में इसको आपको फेंटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना आप पेसेंगे उसमें ही ये फिटा जाएगी। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि ये अच्छी तरह से फेटी है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक बोल में पानी लिए हैं और इसको डाल के देखेंगे। अगर ये ऊपर आ जाती है तो ये अच्छी तरह से फिट आ गई है, यानी कि देखिए ऊपर आ गई है, हमारी दाल अच्छी तरह से फिट गई है। अब इसमें हम डालते हैं नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम नमक डाल रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से हमने नमक डाल के उसको मिक्स कर दिया है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये दाल की कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए कि आराम से गिर जाए। इतनी भी पतली नहीं होना चाहिए वरना आपके वड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर इतनी बहुत ज़्यादा सूखी होगी तब भी आपके वड़े कड़क हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अच्छी तरह से तेल गर्म हो गया है और यहाँ पे बनाने का तरीका यहाँ दिखाऊंगी मैं आपको। पहले पानी में आप हाथ को डुबाएंगे इस तरह से और दूसरे हाथ में पानी आप लगाएंगे इस तरह से। दोनों हाथ आपके गीले हो गए। अब आप यहाँ पे से इस तरह से वड़े लेंगे और इसको इस हाथ में रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से आप इसको छेद कर देंगे और अब इसको हम डालते हैं तेल के अंदर। फिर से बताती हूँ मैं आपको, फिर देखिए आप। यहाँ पे हम लेंगे पानी को, हाँ पानी से हमने हाथ को गीला किया है। यहाँ पे हम डालेंगे वड़े का रागा, इस तरह से हम उसको खड्डा करेंगे और इस तरह से हम वापस अपने दूसरे हाथ में पलटी करेंगे और हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। हम अपने हाथ को गीला कर रहे हैं और इस तरह से हम रागा लेंगे और होल करेंगे और दूसरे हाथ में वापस इसको पलटी करेंगे और अब इसको हम आस्ते से डालेंगे। देखिए इस तरह से हमने वड़े को, बहुत तेल गर्म नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है, और अच्छी तरह से इसको तलना है। गोल्डन होए तक हम इसको तलेंगे। देखिए ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है और अब हम इसको निकालेंगे। इस तरह से हमने इसको पलट पलट के तला है तो ये बहुत अच्छी तरह से तला गया है। देखिए इस तरह से हम इसको अब निकाल लेंगे और आगे का बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमने पानी को रखा है गरम करने के लिए और ये बॉईल आ रहा है और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक
और ये पानी बॉईल आएगा। टीस्पून, 2 टीस्पून नमक हमने इसलिए डाला है क्योंकि जब वड़े डालेंगे तो अगर सिर्फ पानी में डालते हैं तो वो फीका हो जाएगा, क्योंकि जब पानी चूसेगा वड़ा, पानी उसके अंदर जाएगा तो वो नमक ख़त्म कर देगा और पानी का टेस्ट आ जाएगा, इसलिए हमने उसको नमकीन बनाने के लिए पानी में नमक डाला है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं वड़े। तपेली आपकी चौड़ी होना चाहिए, वड़े से ज़्यादा चौड़ी है ना तपेली होना चाहिए, वरना वड़े फूलेंगे नहीं अच्छी तरह से और एक दूसरे में बढ़ नहीं पाएंगे। वो इस तरह से आपको डालना है और इसको गैस को हम करेंगे बंद, बॉईल आ रहा है और बंद करने के बाद इसको हम ढक देंगे ठंडा होने। वड़े हमारे भीग चुके हैं, ये 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और ये पानी भी ठंडा हो चुका है और वड़े भी बहुत ही नरम हो गए। देखिए इसमें से पानी निकल रहा है। इस तरह से इसको निचोड़ के हम अलग कर लेंगे। ये सारे वड़े हमने निचोड़ के निकाल लिए हैं। अब हम दही तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने दही लिया है और उसमें डाल रहे हैं पिसी हुई शक्कर 4 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना मीठा चाहिए उतनी शक्कर डाल सकते हैं। और इसको हम पीसी हुई ही लेंगे क्योंकि अगर आप अक्खी शक्कर लेंगे और फिर ब्लेंड करेंगे तो ये दही पानी हो जाएगा, लेकिन पीसी हुई शक्कर लेंगे तो ये दही पानी नहीं होगा बल्कि वैसे ही गाढ़ा रहेगा। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम दही वड़े के ऊपर अच्छी तरह से इसको डालेंगे। हर दही वड़े के ऊपर अच्छी तरह से दही पहुँच जाए ऐसा डालेंगे। हमने यहाँ पे दही अच्छी तरह से डाल दिए हैं। अब इसको हम डेकोरेशन करेंगे लाल मिर्च पाउडर से। अच्छी तरह से हाथ से डालिए तो वो बराबर से फैलेगा। इस तरह से लाल मिर्च पाउडर हमने डाल दिया है। उसमें थोड़ा सा हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे नमक और ये भुना जीरा है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए, क्योंकि ये होममेड है, तो ये आपको आई बटन में क्लिक कीजिए मिल जाएगी। इस तरह से जीरा भी स्प्रेड कर दीजिए और डालेंगे हम धनिया की पत्ती। डेकोरेशन के लिए बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से हम इसको सजा दिए। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी है और ये कुम्स किचन की बहुत स्पेशल डिश है और बहुत ही ज़्यादा लोग इसको पसंद करते थे। और आप ज़रूर घर में ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।